नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर टीवी और अभी हमें पथरिया माता में, ये सब ये नाम तो आप लोगों ने पहले ही सुना होगा क्योंकि पथरिया माता पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चैनलों पे आपने कई जगह पे ऐसा देखा होगा कि पथरिया माता में वहाँ पे जो मरीज जाते हैं उनका झाड़ा लगता है, माता यहाँ पे स्वयं उनका झाड़ा लगाती हैं। लेकिन हम आज आए हैं यहाँ की सच्चाई दिखाने के लिए, जो यहाँ पे शुरुआती टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं उनसे हम जानते हैं कि क्या यहाँ की सच्चाई है, क्या यहाँ की महिमा है माता की जो यहाँ पे, और कौन कौन सी बीमारियाँ किस प्रकार की ठीक होती हैं, क्या क्या यहाँ पे करना होता है लोगों को। तो हम जानते हो यहाँ के जो लोग जो यहाँ पे आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, जो इनकी आस्था है उनसे भी रूबरू करवाएंगे। सबसे पहले इनसे दादाजी से जानते हैं क्योंकि ये शुरुआती टाइम से यहाँ पे रह रहे हैं और इनको हर एक चीज़, इन्हीं का कहना है कि यहाँ पे माता ने भविष्यवाणी की थी कि यहाँ पे जो भी मरीज आएगा उसकी वो समस्या, जो समस्या लेके आएगा उसका समाधान होगा। तो चलिए इनसे जानते हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा बिहारी नाम है भाई साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम में चलवारी के रहने वाले। अच्छा, तो आप बता दीजिए कि यहाँ की शुरुआत में जब कैसे पता चला यहाँ पे कि माता की यहाँ पे महिमा है और यहाँ पे लोगों के कष्ट दूर होते हैं, जो भी समस्या होती है उसका निदान होता है? समस्या पहले तो ये आलीपुरा का एक मरीज यहाँ सही हुआ है। अच्छा, सही हुआ है और उसी को माताजी ने आवाज़ दी है कि जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ और जहाँ तक तो पे खबर बने का तो कह दिए, जहाँ जहाँ के लोग आएंगे वो महीं महीं के सही होंगे। अच्छा। तो उसने अपने घर से फोन ओन से और रिश्तेदारियों में उसने अपनी खबर फैलाई। अच्छा। फैला के जब लोग आने लगे तो काफ़ी बीमार आदमी सही होने लगे। अच्छा। धीरे धीरे ऐसी महिमा उनकी बढ़ती गई। अच्छा। और सही लोग होते गए। शुरुआती टाइम में कितने लोग यहाँ पे आ रहे होते थे? शुरू लोग में आते थे, जब शुरू लोग में तो आते थे, जब शुरू बाद हुआ था 150 इतने आते। अच्छा। थे। हाँ, धीरे धीरे बढ़े फिर। अच्छा। हाँ, 2 महीने तो 150 आए, फिर 2 महीनों के बाद लाखों के आदमी तादाद से हो गए। अच्छा। 6-6 लाख 7-7 लाख आदमी आ चुके। अच्छा। हाँ, यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका लोग यहाँ पे निदान पा चुके हैं यहाँ पे? हाँ, हमने लकवा वाले ज़्यादा देखे, टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं ना जो। अच्छा। वे ज़्यादा अधिकतर सही हुए हैं। तो इसकी क्या महिमा है? माता स्वयं यहाँ पे झाड़ा लगवाती हैं? माता स्वयं झाड़ा लगाती हैं, झोंका नीम का रख दिया। अच्छा। और उनसे हाथ जोड़ के बैठ गए, वे खुद से हम झाड़ देती हैं। अच्छा, माता स्वयं झाड़ देती हैं? स्वयं झाड़ देती हैं। यहाँ पे आने के लिए जैसे जो लोग हैं वो बाहर से दूर दूर से कई जिलों से लोग देख रहे हैं जैसे इस वीडियो को, तो उनको अगर यहाँ पे आने की रास्ता पता नहीं तो आप थोड़ी सा रास्ता का भी बता दीजिए कि हाईवे से लोग कैसे कैसे किस माध्यम से यहाँ पे आ सकते हैं? हाईवे से आलीपुरा से सीधे पथरिया माता बोल दो, चाहे हरपालपुर से बोल दो, रेलवे स्टेशन से बोल दो कि हमें पथरिया माता जाना है। अच्छा। वहीं से रिक्शा लग जाते हैं, वो चाहे कहीं से भी बोल दो तुम। अच्छा। पथरिया माता जाना है तो आपको रिक्शे वाले यहीं कर जाते हैं। अच्छा। हाँ, इतने प्रसिद्ध हो चुकी है। चलिए यहाँ पे और लोगों से जानते हैं जो यहाँ पे श्रद्धालु आए हुए हैं दूर दूर से। सबसे पहले इन भाई साहब से जानते, कहाँ के हैं भाई साहब? अजनर जिला महुआ। जी जी, पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, 5वीं बार आए। अच्छा, 5वीं बार आए हो। तो आपको यहाँ के बारे में कैसे पता चला और यहाँ पे क्या लगता है आपको, कैसे महिमा है माता की? यहाँ जो है सब लोगों का प्रचार हुआ, सब लोग आए, आदमी आए तो हम लोग भी आए। अच्छा। तो हमको जो समस्या थी कि हड्डी में दर्द रहता था हमारे, तो सही हो गया। अच्छा, ये भाई साहब कह रहे हैं कि इनकी रीढ़ की जो हड्डी है उसमें दर्द हुआ करता था, क्या मतलब इससे पहले डॉक्टरों को कई बार दिखवाया है? डॉक्टरों को दिखवाया लेकिन सही नहीं हुआ। अच्छा, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे कितने बार आप आ चुके हैं? एक बार आए, एक ही बार में सही हो गया। अच्छा, एक बार आया आप और एक ही बार में यहाँ पे जो आपका दर्द था रीढ़ की हड्डी का वो सही हो गया है। जी। चलिए और इन बहन से जानते हैं, पहली बार आई हो यहाँ पे? हाँ, पहली बार। कहाँ की रहने वाली हूँ? हम गाड़े के रहने वाले हैं। यहाँ पे किसने बताया आपको कि क्या कोई समस्या लग गई थी? घूमने आई हो यहाँ पे? हम तो घूमने आए हैं। अच्छा, घूमने ही आई हो, तो कैसे लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। और लोगों से जानते जो यहाँ पे हैं पहले से आ रहे हैं, इन भाई साहब से जानते। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा राजेश नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम चिरवारी के रहने वाले हैं। आप बता दीजिए कि यहाँ पे कुछ समय पहले हम देख रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोग आते थे, कई वीडियोस कई जगह पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमने देखा कि बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे थे, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी सी लोगों में कमी देखने को मिल रही है, तो ऐसा क्यों यहाँ पे हो रहा है? कमी इसलिए है क्योंकि जिसके 5 हो गए, जिसको आराम लग गया, वो थोड़ी दोबारा आ रहे हैं। अच्छा। जो पहले लोग थे वो ज़्यादातर पास के गांव के थे, जो धीरे धीरे खबर फैली है वो पास के लोगों को ज़्यादा जल्दी पता चलता है। अच्छा। जैसे चिरवारी है, हमने 1 से 4 जगह 10 को पता चलेगा जी। ऐसे ही उन्हें हरपालपुर, जो पास के हैं वो लोग ज़्यादातर पहले आए। अब जो आते हैं भक्त, ज़्यादातर दूर के हैं। अच्छा। हाँ, जिनके 5 हो गए उनकी भीड़ कम हो गई, नहीं तो 2 महीने भीड़, जो रक्षाबंधन और नवरात्रि का टाइम था। अच्छा। इस महीने के बीच में
बुधवार को 4-5 लाख और इतवार को 6-7 लाख के लोग बीच में थे। अच्छा, इतने ही मतलब आप कह रहे हैं 6-7 लोग एक टाइम पर यहाँ पे आया करते थे? हाँ, एक टाइम पर, इतवार बुधवार को। अच्छा, यहाँ आप 5 बजे से लेके रात को 12 बजे से परिक्रमा चालू हो जाता था। अच्छा, और यहाँ पे क्या मतलब महिमा क्या क्या मतलब ऐसा रहता कि लोगों को कितनी परिक्रमा यहाँ पे करनी पड़ती है? पत्थरों का भी हमने देखा कि पत्थर अंदर फेंकने पड़ते हैं, तो ऐसा क्या क्या मतलब प्रोसेस है यहाँ पे जो लोग बाहर से आते हैं उनको नहीं पता है? तो यहाँ आने वाले भक्तों को 5 पत्थर और 5 नीम के पत्ते चढ़ाना है, 5 परिक्रमा लगाना है बस। अच्छा, और माता रानी के साइड पीट करके बैठना है 30 सेकंड 1 मिनट, माता खुद झाड़ती हैं। अच्छा, कोई यहाँ पंडा नहीं है जाने वाला, माता स्वयं झाड़ती हैं। अच्छा, चलिए इन भाई साहब से जानते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब। भैया, हम सागर के पास सेमाढाना गांव है और रहते हैं भोपाल में। हम मोबाइल देख रहे थे, तो मोबाइल में आप जैसे वीडियो बना रहे हैं जी, तो मोबाइल में मुझे पता चला वीडियो के माध्यम से कि पथरियान माता का दरबार खुला है, मतलब वहाँ पे स्वयं ऐसा ऐसा हो रहा है। मेरे दोनों पैर टूटे हुए थे, सेकंड फ्लोर से गिर गया था मैं। अच्छा, तो पैरों में दर्द बहुत ज़्यादा था। अच्छा, तो मैंने वहीं से अर्जी लगाई माता रानी से कि माता रानी मैं आऊँगा। अच्छा, तो उसी दिन से मुझे आराम हो गया। अच्छा, आपने वहीं से आपने अपने मन में सोचा कि हम माता जी के यहाँ पे जाएंगे? हम आएंगे। अच्छा, तो उसी दिन से मुझे आराम हो गया, और हुआ आराम तो मैंने फिर 3-4 दिन बाद इतवार पड़ा जी, तो मैं संडे के दिन फिर यहाँ पे आया भोपाल से डायरेक्ट, यहाँ बाइक से, खुद की बाइक से। अच्छा, भोपाल से आप बाइक से यहाँ पे आए? हाँ, माता के दर्शन करने करने के लिए। अच्छा, फिर आज बुधवार है, दूसरा दिन है, तो मैं सेकंड बार आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा, माता रानी के दर्शन करने के लिए, और आराम है मुझे। अच्छा, आपको आराम? अब माता रानी कृपा से अभी तो बहुत आराम है। इससे पहले आपने डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया? कम से कम 4 लाख रुपए लगा चुका हूँ मैं पैरों में। और आपको कोई भी वो जो आपका दर्द था वो दर्द नहीं जा रहा? नहीं गया था दर्द, अभी आराम है मुझे। और माता के यहाँ पे 2 बार ही आने से आपको आराम मिल रहा है? गया। अच्छा, हाँ। इन भाई साहब से आते ही हैं? अच्छा, ये आपके साथ ही में है। हाँ। चलिए और लोगों से जानते हैं, बहन आप कहाँ से हैं? मैं आगरा से हूँ। अच्छा, और मेरा नाम जानकी है। मैं यहाँ पे मतलब 5वीं बार आई हूँ। अच्छा, मेरे आईज में प्रॉब्लम थी काफी, मैंने डॉक्टर को भी चेक करवाया तो डॉक्टर ने कहा नहीं आपकी अब आईज काफी, आपने फोन चलाया है या फिर इन सब से खराब हो गई है तो ठीक नहीं होंगी, अब आपको मतलब नहीं दिखेगा। अच्छा, पर मैं मतलब 2nd-3rd time तक तो आई तो मुझे इतना नहीं फर्क पड़ा, पर मैं जब 4th बार आई तो मुझे 1 किलोमीटर का दूर का काफी दिखने लगा है। अच्छा, तो अभी मैं 5वीं बार आई हूँ यहाँ पे। 5वीं बार आप आई हैं? हाँ। और कौन कौन आता है आपके साथ में? मेरे मम्मी, मेरे पापा और मेरे भैया। अच्छा, ये आपकी मम्मी है, तो आप भी आप हर बार कितने बार आई हैं आप यहाँ पे? 6-7 बार हो चुकी मुझे यार आते आते। अच्छा, तो मेरा काम बीच में कोई एक बिगाड़ देता है फिर वही काम हो जाता है। अच्छा, तो फिर माता आपको कैसे पता चला था शुरुआती टाइम पे यहाँ पे कि माता की यहाँ पे महिमा है और यहाँ पे जो भी समस्या लोग लेके लोग आते हैं तो उनका निदान होता है? जैसे गांव गांव के गए हैं आए हैं फिर कुछ मोबाइल में भी देखा कि हाँ माता का है कुछ यहाँ ज्यादा चमत्कार है, सच्चाई हुए तो फिर इसलिए हम भी आए, मन करा तो दौड़ती चले आए, तो पहली बार में आराम लग गया था माता की वजह से। फिर जो कोई पता नहीं कौन ऐसा कर देता है फिर दोबारा वही काम हो जाता है, फिर माता ने 2-3 बार मदद करी है। माता सही काम कर रही है मतलब। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं वो कह रहे हैं एक ही बार माता का नाम लेने मात्र से ही यहाँ पे उनकी कृपा होती है ऊपर। और भी लोगों से जानते हैं, दादाजी से सबसे पहले जानते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है। चलिए दादाजी आप बताते चलिए चल के कहाँ पे परिक्रमा करनी होती है, कहाँ पे लोगों को अपना झाड़ा लगवाना होता है, आइए आप बताते चलिए। आते हैं यहाँ से परिक्रमा शुरू करते हैं, 5 परिक्रमा हो जाते हैं। आइए चलते चलते बताते चलिए। यही माता जी झाड़ा लगाती हैं। अच्छा, यहीं से पत्थर 5 माता पथरिया माता चलती हैं जी, यहीं से पथरिया 5 चढ़ाने पड़ती हैं। अच्छा, हैं 5 पथरिया उन्हें माता जी का बड़े पसंद हैं, फूल के तरह चढ़ाने पड़ती हैं। अच्छा, जैसे अपन फूल चढ़ाते हैं। लोग सभी लोग यहाँ पे अपना झाड़ा लगवा रहे हैं? हाँ जी, सब लोग झाड़ा लगवा रहे हैं। दोस्तों, आप तमाम लोग देख रहे होंगे जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अपना झाड़ा लगवा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा कर रहे हैं, कोई झाड़ा लगवा रहे हैं, कोई अगरबत्ती लगा रहे हैं, सुहायती कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे किया जाता है। अच्छा, और जो बचपन से नहीं निंगे हैं, 10-10 साल के बच्चे हमने देखा है, यहीं पहली बार में निंग के यहीं से गए हैं। अच्छा, हाँ, ये भी चमत्कार माता जी का हुआ है। कुल बेटी बेटा जैसे बोरा हो जाते हैं, मौनी बोलते हैं, माता जी का जयकारा लगा के यहीं से कुल काफ़ी लोग, काफ़ी बच्चे
मुंह बोल के गए हैं। अच्छा हाँ, माता जी का ये भी चमत्कार अच्छा है। मतलब आप कह रहे हैं कि माता के यहाँ पे कोई भी व्यक्ति अपनी जो भी समस्या लेके आता है वो खाली हाथ यहाँ से अभी तक नहीं लौटा? नहीं गया है अभी। अच्छा। हाँ, किसी किसी के जो गुर्दे उर्दे खराब हो गए डॉक्टर ने मना कर दी। अच्छा। कि भाई अपने घर ले जाओ, इसकी तो सेवा कर लो। अच्छा। माता जी लोग आए, वो दो चार दिन आए, वो यहाँ से सही होकर चले गए। अच्छा हाँ, खूब भोजन प्राप्त किए हैं उन्होंने खूब। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अंदर काफी पत्थर यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो हाँ जी माता जी को चढ़ते हैं, बहुत दिन हो गए चढ़ते चढ़ते। माता जी का यही चमत्कार है, इतना ही ढेर से कभी बड़ा नहीं है। अच्छा आप देख लो, और यहाँ 6 महीने हो गए पत्थर चढ़ते चढ़ते, जितना जो ढेर है ना इतना ही है। अच्छा, जितना ये ढेर है इतना ही, और 6 महीने से निरंतर लोग इस पे पत्थर डाल रहे हैं। पत्थर चढ़ रहे हैं 6 महीने से, वो इतनी लाखों जनता चढ़ाती है। माता जी का तो कछु यही चमत्कार देख लो। अच्छा। हाँ, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नीम के काफी लोग हैं, ये लोग क्या करवा रहे हैं यहाँ पे? ये झाड़ा लगवा रहे हैं, जैसे ये बैठी हैं हाथ जोड़ के बैठी ना जी, ये माता जी अपने आप झाड़ती हैं। माता स्वयं यहाँ पे स्वयं विराजमान है अंदर से। अच्छा। वे अपने मन से स्वयं झाड़ती है, चमत्कार है उनका। अच्छा, स्वयं अपने मन से झाड़ते हैं। हाँ, तो जो ये चक्कर बना हुआ है इसके चारों तरफ कहीं पे भी लोग बैठ सकते हैं? हाँ, कहीं भी बैठ जाएं, कहीं से भी शुरू परिक्रमा कर दें। अच्छा, जहाँ से तुम ले, जैसे यहाँ से शुरू किया है तो यहीं बैठ सकते हो। अच्छा। वहाँ से शुरू किया है तो वहीं बैठ सकते हो, जहाँ भी आपके 5 परिक्रमा हो जाए वहीं भी झाड़ा लगवा लो। अच्छा, मतलब जहाँ से भी 5 परिक्रमा आपने पहली परिक्रमा चालू की है वहीं। हाँ। पे आपकी 5 परिक्रमा जब खत्म हो जाए तो वहीं पे बैठ के आप माता से झाड़ा लगवा सकते हैं। हाँ, वहीं बैठ के झाड़ा लगवा सकते हैं। और दिन का भी आप बता दीजिए, जैसे जो भी दर्शक देख रहे हैं, तो कौन कौन सा माता का दिन होता है, किस किस दिन? चाहे जो दिन भी आओ, लेकिन मेला का 1-2 दिन का ज्यादा महत्व मानते हैं लोग बाग, जैसे इतवार है और बुधवार है। अच्छा, 2 दिन का ज्यादा मानते हैं, और तो माता जी तो हर दिन भी रहती हैं। अच्छा, एतवार। हाँ। और बुधवार 2 दिन है जो यहाँ पे। हाँ। खास दिन माने जाते हैं। हाँ, और तो माता जी हर दिन अपना सबको आशीर्वाद दे रही हैं। अच्छा। हाँ। चलिए इन भाई साहब से भी जानते हैं कि कहाँ से आए हैं भाई साहब। बंका पहाड़ी से। अच्छा, पहली बार आए हैं? पहली बार, एक बार हो गए। अच्छा, एक बार। हाँ, एक बार हो गए। क्या समस्या ऐसी लेके आए थे कि माता? एक गांठ थी गले में, वही समस्या लेके माँ के दरबार में आए। अच्छा, तो कैसे लग रहा है यहाँ पे आके कि? अच्छा, अच्छा लग रहा है, आराम है। अच्छा, आराम है। आज दूसरी बार आए हैं आप? हाँ, दूसरी बार। आपको सबसे पहले ऐसा कैसे पता चला कि माता है यहाँ पे, पथरिया माता जी की भाई कृपा है? मैंने टीवी पे देखा, मतलब मोबाइल पर जी जी, और लोग बाग हमारे वहाँ के आए हैं कई बार, तो उन्होंने बताया महाराज ऐसा ऐसा है। जैसे हम प्राचीन समय में देखा करते थे भगवान के जमाने में कि माता स्वयं प्रकट हुई, माता ने आशीर्वाद दिया, माता की कृपा संसार पर बनी हुई है, तो इस जमाने में भी क्या आप कहेंगे कि माता का भगवान? हाँ, कृपा माँ की है। अच्छा। हाँ, माँ के दरबार में कृपा माँ की है और सभी लोग ठीक होते हैं। अच्छा। हाँ, उनकी कृपा है। अच्छा, जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन दर्शकों को आप क्या संदेश दोगे इस दरबार से, माता के दरबार? इस दरबार में जाएं, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अच्छा। हाँ, ये कहेंगे सभी लोगों से। अच्छा, ये मेरा कहना है। अच्छा, जो भी व्यक्ति देख रहा है वो, जो भी उसकी समस्या है वो इस दरबार में आवश्य जाए एक बार। हाँ, उसकी सभी आप क्या कहेंगे भाई साहब? हाँ, उनकी पूरी होती। अच्छा। हाँ, जो काम है मनोकामना पूरी होती। अच्छा। माता जी आप कहाँ से आई हैं? हम जवाहरपुरा से आए हैं। भाईपुरा से? हाँ, जवाहरपुरा। अच्छा, पहली बार आई हैं? पहली बार नहीं, दूसरा आए हैं। दूसरी बार आई हैं। आपको क्या हो गया था यहाँ? आपके हमारे पे दर्द से दर्द, पूरा सब दर्द का। अच्छा, माता के शरण में आने के बाद से कब? आराम है हमें। आप दूसरी बार आई हैं? दूसरी बार आए। तो आप जब पहली बार आई थी ऐसे, तो कैसे आपको पता चला था? हमें पहला आस पास के आदमी बोले, सो फिर हमने कि हमें भी जाना है। अच्छा। हाँ, तो आप आ गए? हम आ गए। पहली बार से आप आई, तो पहली बार ही से आपका आराम चालू हो गया? आराम चालू हो गया। आपका कहा कभी समस्या थी कि आप तना जी हाथ घुटना पे रहते हैं? अच्छा, तो हमें तो तना आराम है, कहा के अपन में से। अच्छा, मतलब आराम है। कितने दिन से आ रही हूँ आप यहाँ पे? हम तो यहाँ के, हम तो कह के ऐसा कम से कम 4 जब आते हैं। अच्छा, आप यहीं की रहने, जलवारी की रहने वाली हैं? अरे, और लोगों से भी जानते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं तमाम भीड़ है सब, इन माता जी से जानते हैं कि माता जी आप कहाँ की? हम बंका पहाड़ी के। पहली बार आई हो यहाँ? नहीं, 5 बार। अच्छा, आपका ये 5वीं बार का? हाँ, आना। हाँ।
क्या समस्या थी? हमारे तो यहाँ हाथ पांव पर आ रहे थे बेटा, या नस पर आ रही थी। सो आराम है नस में? अच्छा, नस में आराम है, मतलब हाथ पांव में अब मज्जा रह गए, सब यही करे इच्छा। अच्छा, मैं यही कर रहा था। हाँ बस हमारी तो मज्जे ही पे आधार है। हाँ नहीं नहीं, तमाम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, भीड़ भी बहुत जुड़ रही है। हाँ, लोगों की आस्था इस धाम में ज्यादा बढ़ रही है। हाँ, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे जो हाँ बीमार है, लोग सोचते हैं दूर कहीं बाहर कहीं, देखो जो सुनता है भैया सो सब आ रहा है, कहीं दुखी वाले आ रहे। अच्छा। हाँ, कहीं दुखिया ने रोदा और सुखिया ने हंसदा। अच्छा। हाँ, जो लोग देख रहे हैं, जैसे जो बूढ़े बूढ़े लोग देख रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? आप इस धाम पे आना चाहिए, कैसे यहाँ पे हर एक समस्या का समाधान? नहीं, सब मिटाते थे। अच्छा। सब करती मेरी रक्षा मज्जा। अच्छा, जैसे आज हम तो मज्जा सुनी है कि सब करती, सो हम तो जाना सब ही करती भी। अच्छा। अब सुनी सुनी हम आ रहे। हाँ? नहीं नहीं, हाँ बिल्कुल, आप तो बता रहे हैं कि आप यहाँ पे दूसरी पांचवी बार आए हैं। हाँ, पांच ही करने का जो दर्द था। हाँ, जब नस में आ तो दो बेर नस में दर्द उठो, जब से हमें बहुत आराम है। अच्छा, तब से आपको आराम है? हाँ, नस में आराम है, पांव में जो है थोड़ा ऐसा बे मज्जा करे, आप बे करे, हम तो नहीं पे रक्षा धरे। दोस्तों, आप लोग जैसे देख रहे हैं, तमाम यहाँ पे भीड़ जुड़ी हुई है, लोगों की संख्या यहाँ पे, जैसे भी अभी ठंडी का समय चल रहा है तो लोग कम है, लेकिन जैसे ही दिन निकलता आ रहा है और समय बीतता जा रहा है, लोगों की जनसंख्या यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है, भीड़ यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। आइए हम आपको और भी दिखाते हैं कि जो ये जगह है यहीं पर, ये एक भाई साहब बता रहे हैं कि आगे भी एक स्थान है, चलिए इनसे उसके बारे में भी थोड़ी सा जान लेते हैं। आगे स्थान है ना पेड़ के पास? अच्छा, आगे क्या है? दूल्हा बाबा का स्थान है। वहाँ पे क्या, वहाँ पे भी परिक्रमा करनी होती है? हाँ, वहाँ पे भी लोग जाते हैं, जो जिनको जानकारी नहीं है। अच्छा। उनको वहाँ से भी आराम लगा, जैसे आप आए, आपको जानकारी नहीं है जी, जो झांसी दिल्ली से बाहर से लोग आते हैं तो उनको डायरेक्ट वही मंदिर पहले पड़ता है, तो बहुत से लोगों को वहाँ से भी आराम लगा है। अच्छा। तो हमारा कहने का मतलब ये, हम लोग यहाँ बोलते हैं कि माता रानी के यहाँ परिक्रमा लगाओ, के बाद वहाँ भी लगाओ, वहाँ खाली परिक्रमा लगाना है, तुम्हें ये नीम का घोड़ा पत्थर नहीं चढ़ाने हैं। अच्छा, मत परिक्रमा आपको लगानी है, घोड़ा यहाँ पे चढ़ाई जा रहा है, यहाँ से लगवा के तो वहाँ पे जाके आपको परिक्रमा, परिक्रमा लगाना है, पैसा चढ़ाओ, वो भी आराम करेंगे। अच्छा, ये पहले का देख लो, यहाँ से अभी तो छूट गए चारों तरफ, पहले यहाँ दर्शन लोग करते थे, यहाँ नीम का घोड़ा चढ़ाएंगे, यहाँ पत्थर। अच्छा। दर्शन करने यहाँ नहीं मिलता था लोगों, इतना भीड़ होती थी, फिर भी माता रानी ने यहाँ से आराम दिया है। अच्छा, मतलब जो उनके धाम में आया उसको माता ने स्वीकार किया है। अच्छा। जो घर के चल के आएगा माता के स्थान पे जाना है। अच्छा। तो उसको आराम लगा है। तो दोस्तों, इस साइड वो जो धाम है ये बता रहे हैं भाई साहब के इस तरफ वो चबूतरा बना हुआ जिसकी एक परिक्रमा लगानी होती थी। अन्य जो जो आप देख रहे हैं पीछे, तमाम लोग हैं यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इस चक्र के चारों तरफ पेड़ है, जो यहाँ पे माता की कृपा है, यहाँ पे इसकी परिक्रमा लगाने से ही मात्र से ही जो भी समस्याएं होती हैं लोगों की, उस समस्या का समाधान होता है। अन्य जो यहाँ की जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं उन सबसे जुड़ी जानकारी भी हम आपको देंगे, और भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी दुकानें भी यहाँ पे लगी हैं, और भी आगे भी एक स्थान है। इन भाई साहब से भी जानते हैं, कहाँ से आए हैं भाई साहब? यूपी ललितपुर। पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। कैसे पता चला यहाँ के धाम के बारे में आपको? वो आपका यहाँ देखा था यूट्यूब वगैरह पे। अच्छा। तो लगा के घुमाएं, देखें क्या स्थिति है, कैसे, मतलब कोई समस्या लेके आए हैं कि माता के? नहीं नहीं, दर्शन करने के लिए आए हैं। अच्छा, ओनली दर्शन करने के लिए? हाँ, दर्शन करने के लिए। इससे पहले और नहीं आए हैं? हाँ, इससे पहले, हाँ पहली बार आए हैं। तो यहाँ पे आके आपको कैसे लग रहा है? नहीं, अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन पहले सुना भीड़ भाड़ ज्यादा होती थी। अच्छा। अब थोड़ा जो भी रीजन हो या ठंडी की वजह से, कोहरा जो भी हो, जी जी, ठंडी कम ज्यादा पड़ी, इसे यहाँ पे ओनली दर्शन करने के लिए ही आए हैं, दर्शन करने के लिए। चलिए भाई साहब, धन्यवाद। जैसे कि भाई साहब ने भी बताया कि ये यूपी से यहाँ पे दर्शन करने के लिए, वैसे तमाम यहाँ पे लोग हैं जो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। धाम से जुड़ी जो जानकारी है वो हम आपको इसके नीचे दिखा देंगे, और भी जो इससे जुड़ी जानकारी है वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। अन्य जो जानकारियाँ वो हम आपको आगे भी इस धाम से जुड़ी हुई दिखाते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।